गुड मॉर्निंग 9th क्लास स्टूडेंट, आज हम आप संस्कृत की क्लास में स्वर्ण का कह मतलब सोने का कौवा पाठ दो आज हम उसको पढ़ेंगे। प्रस्तुत अपि पाठ श्री पदम शास्त्रिणाम विरचितनम विश्व कथा सतम इति कथा संग्रहात ग्रहेतु अस्मि अत्र विविध राष्ट्रेषु व्याप्तन सतम लोक कथा नाम वर्ण विदते एषा कथा वर्म देशस्य श्रेष्ठ लोक कथा अस्ति। अस्य कथाया लोभस्य दुष्परिणामः तथा च त्यागस्य सुपरिणामः स्वर्णपक्षी काक माध्यमेन वर्णितम् अस्ति। अब प्रस्तुत पाठ में पद्म शास्त्री जी के द्वारा विरचित मतलब रची हुई विश्व कथा सतम इस कथा संग्रह से क्या करा गया लिया गया है, इसमें विभिन्न देशों में 100 लोक कथाओं का क्या किया गया वर्णन किया गया है और उसी लोक कथाओं में से एक कौन सी ये श्रेष्ठ लोक कथा है, इस कथा में लालच का क्या दुष्परिणाम होता है तथा त्याग का क्या सुपरिणाम होता है उसके बारे में आपको बताया गया है कि सोने के पंख वाले कौवे के माध्यम से यहाँ पे इसका वर्णन किया गया है। पूरा किस्मचित ग्राम में एक निर्धना वृद्धा स्त्री अनवसत तस्या च एक दुहिदा विनम्र मनोहरा चास्ति। एकदा माता स्थलाम तंदुलानाम निष्पत पुत्रियाम आदेशत सूर्य तपे तंडुलानी खगे अपि रक्ष किश्चित् कालांतरम एको विचित्र काकः सम्मुख तस्य समीपे आगच्छत। प्राचीन समय में किसी गांव में एक निर्धन क्या रहती थी, स्त्री रहती थी है। उसकी एक विनम्र और सुंदर क्या थी, पुत्री थी। एक बार माता ने थाली में चावल रखकर पुत्री को कहा कि इस चावल को तुम धूप में क्या करो सुखाओ और इससे पक्षियों से इसकी क्या करना रक्षा करना। कुछ समय के बाद एक विचित्र कौवा उड़कर वहाँ पर आया। नेता आदेश स्वर्ण पक्षी रजत चंचु स्वर्ण काकस्य पूर्व दृष्टा स्त तंडुलानी खादत हसत विक्लय बालिका रोधनम अभरत। अब उसके बाद में क्या हुआ, ते निवार्यन्ते स प्रार्थयति तंडुलानी माँ भक्षया मदया माता अतीव निर्धना वर्तते स्वर्ण पक्षी काकः प्रोवज मा शुचुः सूर्य उदय त्यागे ग्रामद बहिः पीपल वृक्षणाम तवा आगतम अहम तुम्भ्य तंडुलानि मूल्यम दास्यामि प्रहर्षिता बालिका निद्रा अपि न लपे। अब इस प्रकार सोने के पंख वाले कौवे उसके पंख कैसे थे सोने के और चोंच कैसी थी चांदी की और सोने का कौवा उसने कभी पहले देखा नहीं, इससे पहले उसने कभी ऐसा कौवा देखा नहीं। उसको चावल खाते हुए देखकर पहले तो वो हंसी लेकिन हंसने के बाद वो क्या करने लगी, रोने लगी। उसको रोता हुआ देखकर फिर बालिका ने उसको रोता हुआ देखा तो फिर बालिका ने प्रार्थना करी, किससे प्रार्थना करी, कौवे से कि तुम इस चावल को मत खाओ, मेरी माता क्या है बहुत गरीब है, क्या है बहुत गरीब है। और सोने के पंख वाले कौवे ने कहा कि तुम दुखी मत हो, तुम सूर्य उदय से पहले गांव के बाहर पीपल के वृक्ष के पीछे आना, मैं तुम्हें इन चावलों का क्या दे दूँगा मूल्य दे दूँगा। प्रसन्न हुई बालिका को रात भर क्या ही नींद नहीं आई। सूर्य उदय पूर्व चा तत्रोपिस्ता वृक्षे ऊपर विलोक के साथ चा अन आश्चर्यचिकिता सजात या तत्र स्वर्णमय प्रसादो वर्तते। यदा काका शनियात तेन स्वर्ण कथित अहो बाले त्वं गता तिष्ठ अहम त्वति स्वप्ना वर्तयाम तथ्य स्वर्णमय रजतमय ताम्रमय कन्याओदत अहम निर्धन मातु दुहितास्मि ताम्र सोपनेयाय आगच्छयामि पर स्वर्ण सोपनेयाय सा स्वर्ण भवनम आरत।
अब सूर्य उदय से पहले वो वहाँ पर पहुँच गए। उसने देखा तो वो आश्चर्यचकित हो गए कि वो महल कैसे बना था। सोने से बना हुआ महल था। वो जब कौवा सोकर जागा तो उसने सोने की खिड़की से कहा, अरे बालिका तुम आ गई, ठहरो मैं तुम्हारे लिए क्या करता हूँ, सीढ़ी उतारता हूँ। तो उसने उस बालिका से पूछा कि बताओ तुम्हारे लिए मैं कौन सी सीढ़ी उतारूँ, चांदी की, तांबे की या सोने की। तो कन्या बोली, मैं तो क्या हूँ, गरीब माता की पुत्री हूँ, तांबे की सीढ़ी से ही मैं क्या करूँगी, आ जाऊँगी। परंतु सोने की सीढ़ी के द्वारा वो महल के ऊपर आई, लेकिन तांबे की सीढ़ी से तो नहीं। वो कौन सी सीढ़ी से आई, सोने की सीढ़ी से आई। चीरकाल भवने विचित्र वस्तुनि सजातानि दृष्ट्वा सा विस्मय गता श्रातम तविलोक काकः अवदत् पूर्वः लघु प्रतशात क्रियतम वद त्वं स्वर्ण स्थिलाय भोजनम करिष्यति या रजत स्थिलाय उक्त ताम्र स्थिलाम। अब कौवे ने उससे पूछा कि तुम खाना खाओगी तो कौन सी थाली में खाना खाओगी, सोने की थाली में खाओगी, चांदी की थाली में खाओगी कि तांबे की थाली में खाओगी। बालिका अवदत् ताम्र स्थिलाम एवं अहम निर्धना भोजन करिष्यामि, बोली हम लोग तो क्या है, गरीब है, इसलिए मैं काय में भोजन करूँगी, तांबे की थाली में भोजन करूंगी। यदा स आश्चर्यचकित सजात यदा स्वर्ण काकेन स्वर्ण स्थलाम भोजन परिष्यति, फिर उसने उसको सोने की थाली में ही क्या करा, भोजन परोसा। न एतादृश्याम स्वादे भोजनापि बालिका खादवती काका अवदत् बालिके अहम इच्छामि यत् तुम सर्वदा अत्र तिष्ठति परम एव माता तु एकनी वर्तते अतः त्वं शीघ्रं स्वगृहं गच्छ। कौवे ने बोला कि मैं तो तुमको हमेशा के लिए क्या, तो हमेशा के लिए यहीं रह जा। तो बालिका ने बोला नहीं, घर मतलब मेरी माता क्या है, अकेली है, इसलिए मैं मेरी माता के साथ ही रहूँगी। फिर कौवे ने बोला ठीक है, अब तुम जल्दी से अपनी माता के पास जाओ। आज की क्लास में बस अब इतना ही, जो आपका लेसन अभी कंप्लीट नहीं हुआ उसको हम अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे।